नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोटेक्ट सर्विसिंग रुक्मिणी विज्ञान जीव विज्ञान। आज हम करने वाले टॉपिक नंबर 13 या फिर चैप्टर नंबर 13 कह सकते हैं। टॉपिक का नाम है बीमारी। बीमारी अगर जो बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि आज के टॉपिक में लगभग 200 क्वेश्चन आप एक ही वीडियो में करोगे। चूंकि बुक में इतने ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं इसलिए हम छोड़ के नहीं चल सकते ना, सारे क्वेश्चन जो भी चैप्टर में है हम करते चले आए हैं शुरू से, इसमें भी हम पूरा देखेंगे ठीक। और अगर जो आप क्लास में आ गए हो तो छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो। साइंस को हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव मॉर्निंग में करते हैं, इवनिंग में आपका रुक्मिणी का करते हैं ठीक। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बात करें, ये हमारे पीडीएफ है कुछ साइंस का स्पेशल, ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टैटिक जीके का कंप्लीट पीडीएफ है, 53 टॉपिक, 200 पेज का टोटल पीडीएफ है और 500 क्वेश्चंस का मैथ का गेस्ट पेपर है। जिनका भी मैथ वीक है वो ले सकते हैं, लगा सकते हैं। गारंटी है 70% प्रश्नों की। मैं वही क्वेश्चन आएंगे इसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन उसी टाइप के प्रश्न आएंगे ये गारंटी लेता हूँ। 500 क्वेश्चंस का ये पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके लगा सकते हैं। चलिए टेलीग्राम ग्रुप में आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे, दोनों क्लास जो चलते हैं मिलते हैं आपको पीडीएफ। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जुड़ जाइए हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, रविवार को आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो हमारी एप्लीकेशन है उस पे होगा। तो एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का, या फिर प्ले स्टोर में आपको एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उस पर बहुत सारे फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, बाई कर सकते हो, 99 में अभी ऑफर चल रहा है। 15 प्रैक्टिस सेट है, 15 प्लस प्रैक्टिस सेट है ठीक है। चलो शुरू करते हैं, एकदम जब शुरू हो जाएंगे तो हम रुकने वाले नहीं है ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी आपका किस विटामिन की कमी से होता है, B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगर जो बात करें इसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या होता है, थायमिन ठीक। A का रासायनिक नाम रेटिनॉल, C का एस्कॉर्बिक एसिड, और आपका विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा, विटामिन B12 का होगा साइनोकोबालामिन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी हम करेंगे, जल्दी जल्दी इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ठीक। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। किसके, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, मैंने बताया है कि आपको। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम की बात करें टोकोफेरोल होता है। विटामिन डी का आपका कैल्सीफेरोल होता है ठीक। चलिए कौन सी हार्मोनल बीमारी है इनमें से, हार्मोनल बीमारी कौन सी है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो जो ऑप्शन नंबर B है, घेघा ग्वाइटर जिसको बोलते हैं, ये हार्मोन्स की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर B, घेघा एक प्रकार की हार्मोनल बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, टर्नर सिंड्रोम में होता है। टर्नर सिंड्रोम में बात करें आपका, जो आपके क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो 45 हो जाती है, यानी कि 45 क्रोमोसोम रहेगा प्लस आपका एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा, और ये 46 वाला है वो रिक्त रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। तो हीमोफीलिया एक प्रकार का लिंग संलग्न या आनुवांशिक रोग है, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्या है प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है। प्रतिजैविक औषधि या एंटीबायोटिक्स हमें अब बात करें, अधिकतर जो मिलती है वो जीवाणु में मिलती है, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। वायरस की सर्वप्रथम खोज की बात करें, डी इवोनोस्की ने की थी, ऑप्शन नंबर इसका C राइट आंसर होगा, इवोनोस्की ने वायरस की खोज की थी ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो जीवाणु की खोज की बात करें आपका, सर्वप्रथम जीवाणु की खोज A.V. लेवेनहॉक ने की थी, लेवेनहॉक यानी कि ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि, क्यों जीवाणु को पादप मानते हैं, और जीवाणु जो होता है पादप के अंतर्गत क्यों आता है, क्योंकि इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, इस कारण से जीवाणु को हम पादप भी मानते हैं, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, वायरस को सजीव कहा जाता है। क्यों भाई, क्यों वायरस को सजीव कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा, वायरस को सजीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, वायरस रोग है किस प्रकार का रोग है। तो वायरस की बात करें, वायरस रोग है
ये बात करें वायरस, इनमें से कौन सा वायरस रोग है, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए इन्फ्लुएंजा जो है ना, ऑप्शन नंबर ए ही, यही आपका एक प्रकार का वायरस से होने वाला रोग है। ये से बात करें, इसे फ्लू भी कहते हैं, मिक्सो नामक वायरस से होता आपका इन्फ्लुएंजा। ठीक, चलो आगे चलें। वायरस होते हैं किस प्रकार के होते हैं, वायरस की बात करें, ये अकोशिकीय होते हैं यानी कि एसेलुलर होते हैं, अकोशिकीय यानी कि एसेलुलर होते हैं आपके जो वायरस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एड्स का कारण क्या है, एड्स की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। एड्स का कारण एक प्रकार का HTLV3 आपका होता है, ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है, ये वायरस है, एड्स से होता है आपका, वायरस से होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है, तो गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि की बात करें, ये आपका आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसे घुघा भी बोलते हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, बैक्टीरियोफेज है, इनमें से कौन सा बैक्टीरियोफेज है, तो बैक्टीरियोफेज की बात करें, वैसा वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है उसे हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, तो बैक्टीरियोफेज में बात करें आपका डीएनए एवं आरएनए दोनों हो सकते हैं, वैसे ऑप्शन में आरएनए दिया है, डीएनए दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लगा दोगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन थे, तो प्रथम विषाणु के खोजकर्ता थे इवानोस्की, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रथम विषाणु था ये निर्जीव था, तंबाकू के पौधों में इन्होंने खोजा था। ठीक है, टीएमवी वायरस पूछा जाता है, टीएमवी वायरस, टोबैको मोजेक वायरस की खोज किसने की थी, इसकी खोज आपका इवानोस्की ने ही इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है, सबसे बड़ा विषाणु की बात करें आपका पॉक्स वायरस है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पॉक्स वायरस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु होते हैं, विषाणु की बात करें, पूर्ण परजीवी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, विषाणु जो होते हैं पूर्ण परजीवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलीस को सर्वप्रथम किसने खोजा था, क्या है, मानव मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र के एनाफिलीस को सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो ये खोजा था रोनाल्ड रास ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, ट्रिप्नोसोमियोसिस रोग किसका वाहक है, ट्रिप्नोसोमियोसिस रोग की बात करें, जो सीसी मक्खी होती है ये इसकी वाहक होती है, सीसी मक्खी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इस रोग में क्या होता है भाई, व्यक्ति को निद्रा आती है और उसके साथ बुखार भी आता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, काला जार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ कौन सी है, काला जार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ की बात करें आपका लिस्मानिया डोनावानी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, लिस्मानिया डोनावानी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, 23 क्या है, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनेन निष्कासित होती है, किससे निकलती है, तो सिनकोना की छाल से, किससे, सिनकोना की छाल से, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है, तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला किस पे करता है, यकृत की कोशिकाओं पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा मुझे भी पता है, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, रीजन भी आपको इसका पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चन लगभग है, लगभग 200 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लंबा वीडियो खींच जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वाहक तथा रोग का जोड़ा सही है, ठीक है, ये बताना है, सही है, क्यूलेक्स की बात करें, ये आपका फाइलिएसिस से होता है, गृह मक्खी से आपका क्या होता है, गृह मक्खी से बात करें हैजा होता है, हैजा होता है, और सैंड फ्लाई से बात करें आपका काला जार होता है, काला जार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंटी एलिफेंटिस एलिफेंटिसिस किससे फैलता है, एलिफेंटिसिस की बात करें, जिसे फुल पाव बोलते हैं, ये मादा क्यूलक्स मच्छर से फैलता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइलेरिया का संचरण किसके द्वारा होता है, तो फाइलेरिया का संचरण आपका क्यूलक्स द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्यूलक्स। ठीक है, क्यूलक्स द्वारा होता है, मादा क्यूलक्स मच्छर से आपका फाइलेरिया फिल पाव एलिफेंटिसिस होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, प्रतिजैविक औषधि एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो पेनिसिलिन की बात करें आपका फंगस या फंगी से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने खोज की थी भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, आगे बात करें टीसी मक्खी, टीसी मक्खी की बात करें, सीसी बोलते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में आपका लिखते हो इसको, इसको लिखते हो इस प्रकार से लिखते हो,
ठीक है, हिंदी में टीसी बोलोगे या ये टी साइलेंट है, सीसी मक्खी ही बोलते हैं। ठीक है, इसकी बात करें इससे कौन सा रोग होता है, स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि हल्का बुखार के साथ हमें निद्रा होती है सीसी मक्खी से। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, प्लेग किसके द्वारा फैलता है। प्लेग की बात करें आपका, ये आप में बहुत सारे बच्चे चूहे लगा देंगे, लेकिन चूहों में संक्रमण होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट होगा इसमें पिस्सू। ठीक है, इसमें होता है पिस्सू। प्लेग यार्निया पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है, इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काला जार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है। तो काला जार की बात करें, लिस्मेनिया नामक प्रोटाजोआ से होता है, ऑप्शन नंबर, और ये जो वाहक होती है इसकी मक्खी होती है या सैंड फ्लाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। काला जार किसको प्रभावित करता है, हमारे जो बोन मैरो है, हमारी जो अस्थि मज्जा है उसको प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, बीसीजी का अर्थ क्या है। बीसीजी का अर्थ की बात करें आपका क्या है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। कभी कभी पूछ लेता है बीसीजी में सी का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 33, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, किसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर ने आपकी खोज की थी स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, पीलिया का क्या कारण होता है, पीलिया का क्या कारण होता है। तो पीलिया की बात करें, ज्वाइंडिस बोलते हैं, ये वायरस से उत्पन्न होता है, वायरस से उत्पन्न होता है। विशेषकर बात करें गंदे पानी पीने से आपको पीलिया होता है। ठीक, आगे चलें, बोटुलिज्म क्या है, बोटुलिज्म की बात करें, बोटुलिज्म के एक प्रकार का भोजन दूषण है से जो जीव, ठीक है, बोटुलिज्म की बात करें, ये आपका एक प्रकार का भोजन दूषण होता है, दूषित भोजन को जो कोलेस्ट्रियम बोटुलियम जीवाणु द्वारा होता है, जिसे पोइसनस टॉक्सिन स्रावित होता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है, बोटुलिज्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं क्या कहलाते हैं, वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं उसे बोलते हैं साइनोफेज, साइनोफेज यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, पेनिसिलिन किसने खोजी थी, तो पेनिसिलिन किसने खोजी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, एंटीबायोटिक्स क्लोरोलिन प्राप्त होती है किससे, तो एंटीबायोटिक्स क्लोरोलिन किससे प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है शैवाल से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 39 की बात करें, मनुष्य और जानवरों की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन से, मनुष्य और जानवरों के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु आपके कौन से होते हैं, एंसक्रेसिया क्लेरी ऑप्सकोली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, मनुष्य का एक कवक जनित रोग कौन सा, इनमें से कौन सा मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, हाँ इसका आंसर होगा रिंगवर्म, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, एक प्रकार का कवक जनित रोग है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एचआईवी में किस तरह का आरएनए डीएनए पाया जाता है। तो एचआईवी में बात करें, ह्यूमन इम्यूनो वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है एचआईवी वायरस में। नेक्स्ट बात करें 42 नंबर क्वेश्चन, अधिकांशतः प्रयोग में किए जाने वाले प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे बनते हैं, तो पेनिसिलिन की बात करें आपके फंगी से बनते हैं, कवक से बनते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 43 की बात करें, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित, तो एलिसा परीक्षण जो किया जाता है एचआईवी का पता लगाने के लिए, एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, पैरासिटामॉल उपयोग में लाया जाता है किसके लिए, तो शरीर में दर्द निवारण के लिए आपका पैरासिटामॉल उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दर्द निवारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है, तो पेनिसिलिन आपकी जो एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 46 की बात करें, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित में से छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर किसको छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है, तो ध्यान रखिएगा तनाग्रह इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, जिसको बोलते हैं स्टेम, स्टेम को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित कर सकता है वायरस। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, हाइड्रोफोबिया किस प्रकार की बीमारी है, तो हाइड्रोफोबिया में देखो यहाँ पे पानी से डरना भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार के कुत्ते के काटने से रेबीज नामक वायरस से होता है हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है, एंटी रेबीज का टीका कुत्ते के काटने पे दिया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 49 की बात करें, वह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है,
कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन या हमारी आते, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो एपिडर्मिक रोग की बात करें, यह संबंधित होती है त्वचा से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 52 की बात करें, टिटनेस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस बीमारी की बात करें, इसको धनुष टंकार भी बोलते हैं या फिर लॉक जॉ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, धनुष टंकार या लॉक जॉ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एस्टिगमेटिज्म की बात करें, एक बीमारी है किससे संबंधित भाई? आंखों से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? मलेरिया रोग की बात करें, प्लीहा या स्प्लिन को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसे लीवर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग ग्रस्त है? डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? तो डिप्थीरिया रोग से आपका गला, श्वास नली प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, ग्लूकोमा व ट्रकोमा किस प्रकार की बीमारी है? ग्लूकोमा व ट्रैकोमा की बात करें, आंख से संबंधित बीमारी है, आंखों से संबंधित बीमारी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो ध्यान रखिएगा, यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो बीसीजी बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन की बात करें, ये टीबी या क्षय रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 59 की बात करें, निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? तो ध्यान रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस या फिर वर्णांधता, इसको दूर नहीं किया जा सकता, एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। ठीक है, और अगर जो मायोपिया की बात करें, जिसे तो निकट दृष्टि दोष बोलते हैं भाई, तो इसको दूर नहीं कर लेते हो अवतल लेंस लगा के, हैं? हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, इसको उत्तल लेंस लगा के दूर नहीं कर लेते हो, बताओ। चलो आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, किसके इलाज में कीमोथेरेपी किया जाता है? तो कीमोथेरेपी किया जाता है कैंसर के इलाज में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, मायोपिया से क्या तात्पर्य? अभी कल तो डिस्कस किया था इस सब के बारे में। मायोपिया की बात करें, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस लगा के, सॉरी निकट दृष्टि अवतल लेंस लगा के, ठीक है, निकट अवतल लेंस लगा के इसको दूर किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें 62, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? और हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, इसको दूर करने के लिए आप क्या लगाते हो? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाते हो। ठीक, उत्तल लेंस लगाते हो। चलो आगे चलें, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से आपका हृदयघात या हार्ट अटैक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 64, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? निमोनिया की बात करें, ये किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, इसका नाम होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु होता है, जिसके कारण निमोनिया होता है, इसी निमोनी के कारण इसका नाम निमोनिया पड़ा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण व्यक्ति में घेघा नामक रोग होता है? आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसके किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसको आप तो पता होगा आपका, इंसुलिन की सुई से हमें मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं। 67 की बात करें, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दमा या अस्थमा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रंग अंध व्यक्ति इनमें से किस रंग में भेद नहीं कर सकता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस या फिर वर्णांधता बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो भी रंग अंध या कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति होगा, वो लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कैंसर से लड़ने के लिए कौन से जानवर उपयोगी है? तो कैंसर से लड़ने के लिए बात करें, तारा मछली उपयोगी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, तारा मछली। नेक्स्ट बात करें, क्रायोथेरेपी क्या है? तो क्रायोथेरेपी, बर्फ द्वारा उपचार करने को क्रायोथेरेपी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है, बी को हम बोलते हैं रासायनिक नाम क्या है? बी का, विटामिन बी का, बी की कमी से होता है। ठीक, तो ये तो आपको पता होगा, लेकिन अगर जो हम बात करें रासायनिक नाम क्या होता है, बेरी थायमिन होता है। ठीक है, थायमिन दिया भाई, थायमिन दिया ऑप्शन में, देखो ये थोड़ा सा गलत है, ये थायमिन होगा। ठीक है, थायमिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संक्रामक रोग का प्रसार कैसे रोका जाता है? संक्रामक रोग का प्रसार की बात करें आपका,
किससे रोकते हो भाई? संक्रामक रोग का पसार, जो संक्रामक रोग होते हैं ना, वायु, जल, भोजन, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ इतर सभी से फैलते हैं, ठीक है? तो इनमें से कैसे होता है? वायु के द्वारा, जल तथा भोजन के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, सभी से होता है वैसे, तो इनमें से कोई नहीं लगा सकते, इनमें से सभी होगा, ठीक है? सभी होगा वैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कालरा होता है, कालरा की बात करें, कालरा किससे होता है? कालरा की बात करें, ये कालरा या हैजा बोलते हैं, विब्रियो कालरा नामक बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, बैक्टीरिया। 75 की बात करें, इनमें से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग आपका हेपोटाइटिस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 76 की बात करें, एफ्लोटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न किया जाता है? तो एफ्लोटॉक्सिन नामक विष फंगी, फंगस से उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 77 की बात करें, एफ्लोटॉक्सिन, देखो रिपीट हो रहा है। 78 की बात करें, पूर्ण वर्णांता नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारियों के गुण हैं, ठीक है? किस प्रकार के आपके वंशागत बीमारियों के गुण हैं? तो एक्स सहलग्न के गुण हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, गलसुआ या मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। कहाँ पे सूजन पैदा करता है? ये आपका पैदा करता है कर्णपूर्व, यानी कि पैरोटिड ग्रंथि में, कर्णपूर्व ग्रंथि में, या फिर पैरोटिड ग्लैंड में आपका ये सूजन पैदा करता है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पित्त ज्वर का स्थानांतरण होता है, तो पित्त ज्वर, एलो फीवर का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? मादा एडीज मच्छर के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 81 की बात करें, तपेदिक रोग का कारण है, इनमें से कौन सा तपेदिक रोग का कारण है? तो तपेदिक रोग टीबी भी होता है, ट्यूबर माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, जीवाणु। नेक्स्ट बात करें, परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, भाई ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे छूटा हुआ है बीएमडी। बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान करने के लिए? तो बीएमडी परीक्षण की बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? बीएमडी का पूरा नाम होता है बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी की पहचान के लिए आपका ऑस्टियोपोरोसिस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, ज्वर क्या है? ज्वर की बात करें, फीवर की बात करें, एक प्रकार की बात करें, रक्त कोशिकाओं का सूजन होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक? नेक्स्ट बात करें, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना किसका सूचक है? तो मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है जिंक की कमी का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 85 की बात करें, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित रोग है? कौन जीवाणु जनित रोग है? तो एक्समा, क्षय रोग या टीबी, ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित का सूची का मिलान करना, भाई मोतियाबिंद किसकी बीमारी है? आप सबको पता होगा आँख की बीमारी है, ठीक? चलो पीलिया किसकी बीमारी, किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। मधुमेह की बात करें भाई, हमारी पाचन ग्रंथियों को प्रभावित करता है, अग्नाशय को प्रभावित करता है। स्टेमटोटाइसिस की बात करें, ये आपका किसको, जीभ को प्रभावित करता है। तो देख लेना आंसर, मेरे हिसाब से बी वाला सही होगा, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 87, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 88 की बात करें, पादप विषाणुओं में किस प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं? पादप विषाणुओं में आरएनए प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, 89, मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद कॉन्ट्रैक्ट की शल्य क्रिया में जो डॉक्टर होता है, चिकित्सक होता है, किसको हटाता है? ये लेंस की अतिरिक्त जो मांसपेशियां होती है उसको हटाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 90 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, H5N1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, H5N1, ठीक? चलिए नेक्स्ट बात करें, 91, पुरुष में मरकरी के विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? तो पुरुष में मरकरी के विषाक्तता से आपका मिनी माता नामक रोग हो जाता है, मिनी माता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, मरकरी की विषाक्तता से मिनी माता, और कैडमियम की विषाक्तता से आपका कैडमियम की विषाक्तता से आपका इटाइटाई, ठीक है? आपका, आपने क्या देखा, मरकरी की विषाक्तता से आपका मिनी माता, और कैडमियम की बात करें इससे आपका इटाइटाई, इटाई और इटाई रोग होता है। आर्सेनिक की विषाक्तता से एरेक्सिनकोसिस रोग होता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, ये तीन चार ध्यान रखिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट बात करें, मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर की बात करें, ये आपका मलेरिया रोग का वाहक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो कैडमियम से जो प्रदूषण होता है, अभी मैंने बताया इटाई इटाई नामक रोग होता है, इटाई इटाई।
तो इटाई है ये, हटाई नहीं है, इटाई कर लीजिएगा, ठीक है, इटाई इटाई ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, कोर्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है, तो कोर्टिसोन एक प्रकार की औषधि है जो लिपिड या फैट से बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, प्राकृतिक रोग में दो प्रवस्थाएं होती हैं यथा, कौन कौन से प्रवस्थाएं होती हैं, एक पूर्व रोगजन जेनेटिक डिजीज, एक रोग जनन। तो ध्यान रखिएगा दो अवस्थाएं, एक पूर्व रोग जनन एक रोग जनन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 96, पेयजल में एंटामीबा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है। तो ध्यान रखिएगा पेयजल में अगर जो एंटामीबा हिस्टोलिका पाया जाता है तो ध्यान रखिएगा वहां पे बैक्टीरिया फाई प्रादुर्भाव हो गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया फाई प्रादुर्भाव का संकेत है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे ध्यान रखिएगा आपको आपका पेचिस रोग होता है, एंटामीबा हिस्टोलिका से पेचिस नामक रोग होता है, ठीक है, पेचिस तो आप जानते होंगे। 97 की बात करें, ग्रेव का रोग किस कारण से उत्पन्न होता है, ग्रेव का रोग की बात करें थायराइड की अति सक्रियता से होता है ग्रेव का रोग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 98 की बात करें, अभिबंधक जबड़ा या फिर आपका क्या बोलते हैं इसको, और कौन कौन से नाम से बोलते हैं, लॉक जॉ, ठीक है, लॉक जॉ अभिबंधक जबड़ा ये किसकी स्थिति है, तो ये टिटनेस, टिटनेस जब हो जाता है उसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है, धनुष टंकार। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिनी माता रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो किसके कारण होता है भाई, मिनी माता रोग ये होता है पारे के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साधारण जुकाम पैदा किया जाता है, साधारण जुकाम वायरस द्वारा पैदा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। देखिए 100 क्वेश्चन हो गए, एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन में बहुत फायदे होंगे, एप्लीकेशन से आपको, एप्लीकेशन में आप फ्री टेस्ट दे सकते हो, संडे को स्कॉलरशिप वाला, जिसमें टॉप 3 जो स्टूडेंट होंगे उनको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः किससे मरते हैं, तो इससे ये मरते हैं सिरोसिस से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 102 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बैक्टीरिया जीवाणु या बैक्टीरिया की वृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है, तो जीवाणु या बैक्टीरिया की जो वृद्धि होती है ये किसके द्वारा मापी जाती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा मापी जाती है आपका, जिसको बोलते हैं वृद्धि मापी भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल गलगंड घेघा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है, तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है ना उसको प्रभावित करती है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन सी कवकी रोग है, कौन सा कवकी रोग है, कवक द्वारा होने वाला रोग है, तो ध्यान रखिएगा इसमें दाद खाज खुजली जो दिया है ना आपके, ये कवक द्वारा होने वाले रोग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें, छोटी माता या चिकन पॉक्स पैदा की जाती है, तो छोटी माता या चिकन पॉक्स की बात करें आपका वायरस से होता है, किस वायरस से, वेरिबोला वायरस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें, सूचीवन, और यहाँ पे देखो एक तरफ कीट दिया है, ठीक है, एक तरफ रोग दिया है, ठीक है, किससे कौन कौन सा रोग होता है, मान लीजिए सीसी मक्खी से बताया मैंने, निद्रा नामक रोग होता है, नींद की बीमारी हो जाएगी। मादा एनफ्रीज मच्छर से कौन सा रोग होता है, तो मादा एनफ्रीज मच्छर से मैंने बताया मलेरिया होता है। क्यूलेक्स मच्छर की बात करें, फाइलेरिया फाइलोरिसिस होता है, और रेत मक्खी से बात करें आपका कालाजार होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, देख लीजिएगा कौन सा सही होगा। कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं, इस तकनीक को क्या बोलते हैं, इस तकनीक को बोलते हैं रोबोटिक्स, रोबोटिक्स यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 108 की बात करें, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से हो जाती है, डेंगू बुखार की बात करें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें, सूचीबंध को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, प्लेग किससे होता है भाई, प्लेग होता है आपका जीवाणु से, जीवाणु से प्लेग होता है, ठीक। एड्स की बात करें, किससे होता है एड्स, मैंने बार बार बताया कि विषाणु से होता है, ठीक है, विषाणु से होता है। गंजापन आपका कवक द्वारा होता है, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110 की बात करें, MRI निम्नलिखित में से क्या है, MRI का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें, एक तरफ कीट है एक तरफ रोग है, ठीक है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, एक तरफ आपका सूचीवन के कीट रोग वाहकों की सूची में दिए संचित रोगों को मिलाना है, ठीक है, किसको प्रभावित करता है, ठीक है, एक तरफ आपका दिया क्या है, चीजें दी गई हैं, एक तरफ ये किसको प्रभावित करती हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले बात करें आपका पारा,
पारा से आपका मिनी माता रापा नामक रोग होता है। ये हमारे किस को प्रभावित करती है? रक्त ब्लड वेसल्स को, रक्त धाराओं को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। सीसा की बात करें, ये हमारे उदर को प्रभावित करती है। और एवेस्टस धूल की बात करें, ये फेफड़ों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो देख लीजिएगा कौन सा आंसर होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, एवियन इन्फ्लुएंजा का कारणात्मक कौन सा जीव है? तो एवियन इन्फ्लुएंजा का कारण आपका वायरस होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें, अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? अत्यधिक मदिरा पीने से बात करें, आपका यकृत या लीवर खराब होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें, आंत ज्वर या टाइफाइड का कारण क्या है? तो आंत ज्वर या टाइफाइड की बात करें तो इसका कारण होता है जीवाणु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 115 की बात करें, कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादित करता है? कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका प्रोटोजोआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करें, मिलान करना है। ठीक है, तो बात करें दाद, दाद को मैंने बार बार बताया किससे मिलेगा भाई, दाद किससे होता है? ये आपका फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस से होता है। ठीक है, दाद आपका फंगस से होता है। ठीक, अब यहाँ पे बात करें वायरस से क्या होता है भाई, तो वायरस से मैंने बोला था इन्फ्लुएंजा आपका वायरस से होता है। ठीक, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ से देखा जाए, सबसे पहले प्रोटोजोआ से आपका क्या होता है? कालाजार, कालाजार होता है। बैक्टीरिया से आपका तपेदिक नामक बीमारी होती है। मिला लो, जो आता है पहले उसे मिलाओ, अब उसके बाद आराम से हो जाएगा आपका। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, डेल्टोनिज एक प्रकार की वर्णांता है, उसमें रोगी कौन सा रोग नहीं देख सकता? तो डेल्टोनिज आपकी वर्णांता में आपका हरा, लाल, नीला, ये तीनों नहीं देख सकता। ठीक, चलो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, पशु महामारी रोग होता है, पशुओं का पशु महामारी रोग आपका किसके द्वारा होता है? ये वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, विषाणु से। नेक्स्ट बात करें, 119, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया रोग की बात करें, ये वर्म या कृमि के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, एक तरफ कथन दिया है, ठीक है, दो कथन दिए हैं। पहला कथन है, कुनैन मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो पहला कथन सही है, यह सिनकोना की जड़ से प्राप्त की, नहीं, यह सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। किससे? छाल से। यानी कि कथन वन सही है परंतु कथन टू गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोह की कमी से आपका रक्त अल्पता होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, अंतर्दर्शी या इंडोस्कोपी एक ऐसा यंत्र है जो अमाशय के अल्सरों को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंडोस्कोपी एक ऐसा यंत्र जो अमाशय के अल्सरों को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसे पर छोटे सिर पर एक चमकीला बल्ब लगा होता है जो अमाशय में मुंह द्वारा निर्विष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट होता है? क्या अंतर्विष्ट होता है भाई इसमें? किसमें? आपके अंतर्दशीय एंडोस्कोपिक यंत्र में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है या फाइबर रेशा का। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें, औषधियों और उनके कार्यों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो औषध निर्माण विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। औषध निर्माण विज्ञान बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करें आपका है, औषध में पीड़ा नाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण कौन सा है? तो आपका एस्प्रिन है। एस्प्रिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, ICMR किसका संक्षिप्त नाम है? ICMR की बात करें, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मलेरियन रिसर्च, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मलेरियन रिसर्च। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलें। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान की बात करें आपका, तो ये जगह मुझे याद आ रहा है, भोसारी। ठीक है, भोसारी मुझे जगह याद आ रहा है। आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके, क्या बता सकते हैं कहाँ स्थित है? चलिए, इसके भोसारी एक जगह है आपका महाराष्ट्र या मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, कैजुराइना एक क्या है? तो कैजुराइना की बात करें, एक जलोद्भिद है, जलोद्भिद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें, लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है?
तो लैटिन में वायरस को क्या बोलते हैं? विष बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 130 की बात करें, क्रिस्टलों के रूप में तंबाकू में मोजेक रोग को फैलाने वाले विषाणु को किसने अलग किया था? तो डॉक्टर स्टैनले ने, डॉक्टर स्टैनले ने अलग किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। कब? 1935 में। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो एक प्रकार का वायरस जनित रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। 132 की बात करें, ओंकोजिन किससे संबंधित है? तो ओंकोजिन की बात करें, ये कर्क रोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ओंकोजिन कर्क रोग से संबंधित है। नेक्स्ट, तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उपचार भी करता है? तो ध्यान रखिएगा, जो यूवी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी बी राइट आंसर होगा। 134 की बात करें, टाइफाइड तथा कालरा किसके विशिष्ट उदाहरण है? टाइफाइड और कालरा की बात करें, एक प्रकार के जल जनित रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 135 की बात करें, इबोला क्या है? तो इबोला ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का वायरस है जो चमगादड़ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 136 की बात करें, घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? ध्यान रखिएगा, ये पहाड़ी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, मादा क्यूलक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो मादा क्यूलक्स मच्छर की बात करें, ये आपका फाइलेरिया का वाहक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज की थी जोनस साल्क ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, 139, निम्नलिखित में से अन्य में से एक भिन्न को चुने, चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर, अलभिन्न को चुनना है। तो यहाँ पे मस्तिष्क ज्वर की बात करें, ये सबसे अलग है, ठीक है, मस्तिष्क ज्वर सबसे अलग है। और हाँ, मस्तिष्क ज्वर सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यह एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करें, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो एडवर्ड जेनर ने टीके का विकास किया था, टीका। ऑप्शन नंबर इसका वैक्सीनेशन, टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। 141 की बात करें, डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस में पी किससे संदर्भित करता है? तो पर्टुसिस को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, न्यूरोलॉजिकल जन्मजात विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो जीका वायरस ध्यान रखिएगा, ये मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 2.3 डिग्री फारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो इस स्थिति को हाइपोथर्मिया के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें, भारत में मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका नाम भारत में क्या है? बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक ध्यान रखिएगा, बैरीसेला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दिया जाता है? तो कीमोथेरेपी कैंसर। ऑप्शन नंबर सी। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो डायलिसिस कौन से रोग में किया जाता है भाई? ये किया जाता है गुर्दे की खराबी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाले जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो अभी मैंने बताया, ये मच्छर के द्वारा फैलता है। 149 की बात करें, मोलियोडोसिस क्या है? तो मोलियोडोसिस की बात करें, क्या है? एक प्रकार की संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 150 की बात करें, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी आपकी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज की बात करें, तो एंटीबायोटिक्स है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट बात करें आपका, क्वेश्चन नंबर 152 है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पे देखो, उच्च रक्तचाप हो सकता है, टिटने आपका एक प्रभाव नहीं है, ठीक है। त्वचा रोग एक प्रकार का नहीं हो सकता ध्वनि। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत जहर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, ठीक, नेक्स्ट बात करें, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है इनमें से? तो ध्यान रखिएगा, इनमें ऑप्शन नंबर इसका सी, डिप्थीरिया जो होती है, ये दिल से संबंधित बीमारी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, आमतौर पर वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो एक प्रकार की आनुवांशिक प्रकृति की रोग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 156 की बात करें, पीला बुखार या पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच फैलता है, किसके द्वारा? तो पीला बुखार या पीत ज्वर की बात करें, ये मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करें, रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो रक्ताल्पता
एनीमिया किस किस वजह से फैलती है? आरबीसी की कमी से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका 158 है। लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो लुई पाश्चर की बात करें, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 159 की बात करें, कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग की बात करें, इसे लेप्रोसी भी बोलते हैं, हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 160 की बात करें, फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं की प्रकृति पोषक है? तो फल चमगादड़ की बात करें, निम्नलिखित में से आपका हो जाएगा इबोला बुखार। इबोला बुखार यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में 161 की बात करें, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो हीमोफीलिया की बात करें, आपका एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 162 की बात करें, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? तो लोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, वेक्टर। नेक्स्ट बात करें, 163, निम्न में कौन सा डीडीटी से संबंध में सच है? डीडीटी के संबंध में सच है, ठीक है। डीडीटी एक प्रकार का कीटनाशक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संपर्क कीटनाशक है, ऑप्शन नंबर डी ये सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, चेचक के टीका किसने प्रदान किया था? चेचक का टीका की बात करें, सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा अनस्थेटिक के लिए स्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? नाइट्रस ऑक्साइड, किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, अनस्थेटिक के रूप में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करें, अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 1953 में, सॉरी जो ओरल वाला था ना 1962 में, और जो सिंपल वैक्सीन बनी थी पोलियो की वो 1953 में, और ओरल वाला 1962 में। नेक्स्ट बात करें, एक्सरे जो चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता, इसकी खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की थी विलहम रोंजन ने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट बात करें, पश्चिमी ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है, तो पश्चिमी ब्लॉट के लिए जो नैदानिक परीक्षण होता है वो होता है आपका एचआईवी के लिए आपका नैदानिक परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सीटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? सीटी स्कैन की बात करें, स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है, ये दर्दनाक नहीं होता, आसानी से हो जाता, यही आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें, कैंसर के उत्कों की जांच के लिए की जाती है क्या की जाती है? तो कैंसर के उत्कों की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है, बायोप्सी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 171 की बात करें, सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? तो सुश्रुत की बात करें, भारतीय शल्य चिकित्सक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 172 की बात करें, खसरा किसकी वजह से होता है? तो खसरा की बात करें आपका, ये आपका एक प्रकार के वायरस से होता है, वायरस से होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? कृत्रिम पैर है, इसका आंसर क्या होगा? तो आपका जयपुर फूट एक प्रकार का आर्टिफिशियल फूट है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी के विरुद्ध बीसीजी का प्रयोग किया जाता है, बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेट क्यूरिन। 175 की बात करें, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस की बात करें, ये आपकी जिगर को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें, कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो डीडीटी की बात करें, का आविष्कार किसने किया था भाई? पॉल हरमन मुल्लर ने डीडीटी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट बात करें, स्लीप अपनिया सोते समय बीमारी इससे संबंधित है, इसमें क्या होता है? इसमें मनुष्य खर्राटे मारता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, स्लीप अपनिया, ठीक। नेक्स्ट बात करें, शरीर में कैल्शियम ऑक्जिलेट की बहुत ही मात्रा से क्या होता है? ये आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट की बहुत ही मात्रा से आपको पथरी होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 179 की बात करें, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? मानव शरीर का औसत तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट होता है, केल्विन में 310 केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, 180, मच्छरों के एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया का संचारण की खोज की जाने वाले निम्नलिखित में से किसे नोबेल प्राइज प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? रोनाल्ड रॉस को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मलेरिया के टीके की खोज की थी। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, एलिसा टेस्ट आपका एचआईवी की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो ये वायरस द्वारा होने वाला संक्रामित रोग है। नेक्स्ट बात करें, 183, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी जोनास सॉल्क द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक। मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की थी भाई? रेडियम की, ठीक। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो क्या आंसर होगा? रेबीज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक।
नेक्स्ट बात करें सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है। तो सफेद दाग जिसे ल्यूकोडर्मा बोलते हैं का इलाज ल्यूकोजेन किससे किया जाता है। ल्यूकोजेन ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ल्यूकोजेन। नेक्स्ट बात करें यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे क्या उसे किसे दिखाना चाहिए। तो कैंसर से पीड़ित है तो उसे ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए या फिर अपूर्त विजय अपूर्त विशेषज्ञ हिंदी में बोलते हैं या ऑन्कोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करें अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग करते हो भाई। अपच का इलाज करने के लिए हम एंटासिड एंटासिड नामक दवा का प्रयोग करते हैं, प्रकार का दवा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं में कौन सी हो सकती है। तो ये आपका वंशागत हो सकती है, जो भी भिन्नताएं होती हैं वंशागत हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें कौन सी यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा गनोरिया है, मस्से भी होते हैं, सिफिलिस, ये आपका इसमें बात करें ऑप्शन नंबर सी, कैंडिडाइसिस आपका यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 190 नंबर क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कृमि पाव या हाथी पाव का कारण है। तो फाइलेरियल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, फाइलेरियल वर्म। आगे चलें, चलिए 190 क्वेश्चन थे, दमदार क्वेश्चन थे सारे। ठीक है, अब देखो क्या क्या टॉपिक बची है आपकी। एक प्रदूषण बचा है, एक पारिस्थ की यानी कि इकोलॉजी बचा है, उसके बाद अगर जो हम बात करें और कौन से टॉपिक बचे हैं, आपका प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक बचा है, उसके बाद हम देखेंगे परागण या पॉलिनेशन, उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचा है पौधों के विभिन्न भाग का वर्गीकरण। ठीक है, चलो ये टोटल टॉपिक है। एक और टॉपिक है आपका, उसको भी कर लेंगे, जंतु का वर्गीकरण जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब इसी वीक में किसी तरीके से आपका खत्म कर लूंगा, नेक्स्ट वीक मंडे या मंगलवार तक आपका फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो लंबा था, थोड़ा मुझे भी परेशानी हुई, 190 क्वेश्चन कराना बहुत बड़ी बात है, और आप लोग भी सपोर्ट करते रहो यार चैनल को सब्सक्राइब।